जोधपुर बॉयज मीटिंग इन दिल्ली, इससे अच्छी चीज और मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। गाइज गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं ARSD कॉलेज और वहाँ पर दो स्पीकर आ रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, हम वैसे ही बहुत लेट हो रहे हैं और पता नहीं आज क्या क्या होगा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। तो लेट्स गो। पिंक लाइन का स्टेशन है और यहाँ से आपको कॉलेज 300 मीटर दूर है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। हमारे साथ है पीयूष सर, हाय कर लीजिए व्लॉग में। तो लेट्स गो। ये ऊपर मेट्रो स्टेशन नहीं और ये कॉलेज, इसके सबसे पास आपको वैन की पड़ेगा, वहाँ बिंदास जाके अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड। उस पर चले जाना, सामने आपको जिसन डेस्क दिख जाएगा वहीं पे। ओके थैंक यू पंकज सर, बहुत स्ट्रगल वाला काम करते हुए आज पाजी। ये रहा थोड़ा सा ग्राउंड एंड लेट्स गो इनसाइड। छोटा सा 360 लूना तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके गुरुस चलो लेट्स गो इनसाइड। Or Ishan's enlightening Instagram page and YouTube content stream and their LinkedIn pages of course. To Saransh and Ishan. इनका मैं छोटा सा इंट्रो दूँ तो ही इज एन इन्फ्लुएंसर विद मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। या ये बाय बड़ी स्पेशल थी क्योंकि आई वाज द ओनली वन कैप्चरिंग एंड सेइंग हिम अ गुड बाय फ्रॉम दिस साइड। ARSD में हम पूरी कॉलेज लाइन ले रहे हैं और हमारे साथ है आयुष अक्षुण्य और हमारे आयुष भैया पार्टू जो कि हमारा ब्लॉगर है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ, ये तीनों महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ही है बट ऑफ इंजीनियरिंग, तो एक अलग हटके चीज है। मैं कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले से हूँ और ये IT वाले से, तो बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है। अभी आपको मस्त मस्त चीज़ें दिखाएंगे हम पूरे कॉलेज के अंदर एंड अभी बर्गर पार्टी चल रही है। छोटू ईशान से भी मिलाएंगे आपको। ये रहा भाई, सोचो टैलेंट देख रहे हो बच्चों का इधर। पता नहीं क्यों हमारा बॉयज कॉमन रूम के बाहर डांस करने का मन कर गया बस। अंदर दिखाते असली कला। बॉयज कॉमन रूम ठीक है ना, जो बहुत कम कॉलेजेस में होता है, पर पता नहीं अभी इधर डांस चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट है। बॉयज कॉमन रूम में एक भी बॉय नहीं है। बहुत ही सरगर्म वाली बात है, बॉयज कॉमन रूम में बॉय नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या है, ये बॉयज NCC के पास है, फोटो स्टेट वाली जगह पर आप कुछ भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ हमने क्या बात की तो इट वॉज ऑल अबाउट कि इस एज में लोगों का करियर का डाउट कितना होता है कि उन्हें क्या लेना चाहिए। उनके पास सारे ऑप्शन होते हैं, वो इतने सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं या वॉट एवर। सो ये हमारी बातें हुई थी मेजरली। चलिए तो अब आपको इस कॉलेज की लाइब्रेरी घुमाते हैं। वैसे श्रीधर महाशय को तो खुद के कॉलेज में भी बुक्स पढ़ने में मौत आती है, पर यहाँ पूरी एक्टिंग करने का चांस था तो हमने करी एक पढ़ाकू बालक की तरह। विदिन कैंपस है, वो कोई वेव कर रहा था। यहाँ पर पॉलिटिकल की क्लास हो रही है।
हाँ दूसरे कॉलेज से। ये मनी फ्रेंडली रूम्स हैं। ये बताना चाहेंगे पास में पॉलिटिकल की क्लास हो रही है, तो इसकी सबसे खास बात क्या है इस क्लास की? इसके अंदर कोई छोड़ के सब सब कुछ मिलेगा बट पॉलिटिकल साइंस ही मिलेगा। नहीं नहीं अच्छी बात है, अरे अरे। सब कुछ सीखने को मिल रहा है। सो हमारा मेजर मोटिव ये था कि हम थोड़ा सा नॉक नॉक करेंगे, इसके अंदर एक क्लास चल रही थी, सर को बाहर आने पे मजबूर करेंगे। बट व्हाट हैपेंड इज कि सर तो बाहर आए नहीं, वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे, पर सामने क्लास के जो टीचर थे उन्होंने जरूर हमें देख लिया। नाउ ऊपर जाएंगे तो सेमिनार हॉल है, यहाँ चलेंगे तो कैंटीन का रास्ता है। लेट्स गो देयर। ये है बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो ये रहा वो जगह ग्राउंड फ्लोर से, वहाँ पर यू विल फाइंड कंप्यूटर लैब, वहाँ पर उस टाइप पे। यहाँ पर इस गर्ल्स कॉमन रूम, आई गेस ये बंद हो सकता है। एंड हियर इट इज कैंटीन फॉर यू गाइस। और सैंडविचेस भी ठीक ठीक से है, फ्रूट बियर ले लो। यार मैं बियर नहीं पीता हूँ। तो ये है कैंटीन। अगर पैसे दे रहा है तो सब कुछ अच्छा है। अंदर से ये ऐसे एक दूसरा डोर है एग्जिट के लिए। भाई यहाँ क्राउड है, यहाँ पर क्राउड है। इस कॉलेज में आज है एथनिक डे की, मतलब बहुत सही बात है यार। मतलब और क्या चाहिए, हम नहीं पहन के आए पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मज़ा पूरा आना चाहिए। बिजनेस बिंगो सब कुछ हो भी रहा है इधर, इधर भी कुछ हो रहा है। यहाँ पर आइसक्रीम मिल सकती है, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर बास्केटबॉल है आपके लिए भाई, सब कुछ बहुत कुछ है। ये नेस्कैफे जो दी बोल रही थी, यहाँ चलते हैं। पेटीएम करो। चलिए जी, तो अब हमारी बारी है। गेम सिंपल है, आपके कानों में जोर जोर से गाने बजेंगे और आपको गेस करना है। He is from BA program. Political science. Oh, ये सुनाई दे दिया है। मैम आप प्लीज, क्रॉनिक कहाँ से उठ के आ गया? क्रॉनिक तो समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देख देख कोर्स के वर्ड बोलेगा, जो जो मैंने याद किए मैं वो बोल सकता हूँ। कैपिटलिज्म ब्रेक इवन। गलत बात है, कोर्स के हिसाब से दो यार। बोल बोल। गाइस हमारे साथ है हमारे जोधपुर का लौंडा, सबसे सेक्सी इस कॉलेज का, मिस्टर दक्ष। आई मीन अरे भाई, मतलब देख ले कितना चिकना है हर लड़की, मतलब चारों तरफ
आहू आहू दिख नहीं रही भाई। अभी हमने बहुत दूर करके रखी है ताकि हमारे जो फोकस ऑफ अटेंशन है सही रहे। बाकी भाई साहब जोधपुर बॉयज मीटिंग इन दिल्ली, इससे अच्छी चीज और मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। बहुत 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 मजा आ गया। और अभी हमारे मेरे कॉलेज में आया हुआ है ARSD, यहाँ पे चल रहा है फुल हमारा, देख सकते हो अपन लोग डेकोरेशंस वगैरह, एथनिक डे है, बहुत सारे प्रोग्राम है, हमारा एथनिक डे आज, और बस देखो यार भाई पूरा तबाही हो रही है मतलब कॉलेज में तो। एंड अभी भी दक्ष बाजी को हम दिखाएंगे बुरी तरह से, हारेंगे मेरे कानों में हेडफोन्स वगैरह काम है वो रहेगा, बट हारूंगा इस बार में भाई। अंदर की बात बताते हैं, हमको पर्ची पता है कि क्या आने वाली है, फिर भी हम हार रहे हैं। शेम ऑफ अस भाई, हम फीचर में कैमियो डाले हमारे, आइए हमारे पास है दो कह सकते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, वंश नाम, आज ये राम लखन मिले हैं सही में। और बहुत बहुत आपको जल्द इनका 29 तारीख को एक मस्त सा म्यूजिक आने वाला है, 29 को आ रहा है बिल्कुल, लिंक ये अपने ब्लॉग में ड्रॉप करेगा। भाई को सपोर्ट देना, सबको सपोर्ट चाहिए अपने को, ये भी डालो उसको भी डालो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, स्टोरीज पे इंस्टा पे ARSD की जय हो, ARSD हो, स्टॉक मार्केट टॉप एरिया क्या बोल रहे हो, हमेशा हमेशा सबसे सिंपल सबसे लास्ट में इनको डाला जाता है सराखों के पीछे। दिस इज अनफेयर, वी वांट रिफंड। उस गेम की शरणा हार के बाद हम दोनों इस गेम पे आ गए। इट वॉज अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बिटवीन टू ऑफ अस, बट करना ये था कि ये लोग हमें टैगलाइंस बोलते हैं, हमें उस कंपनी की जिसकी टैगलाइन है उसको कट करना था, तो जिसका पहले हो जाता वो जीत जाता। दोनों के अंदर अलग अलग कंपनीज के नाम थे, वो भी ऐसे ऑल्टरनेटिव ही कंपनीज के नाम बोलेंगे और अपन को करेक्ट कट करना है। बट सैडली इसमें भी हम हार गए। अब आप सोचेंगे इसमें कैसे हारे, तो हमने सारी कंपनीज कट नहीं की क्योंकि हमें सबके बारे में पता नहीं था। एंड यस दिस इज हाउ इट वेंट। चलो इस पे डेयर टू लीप LEAP भाई, ये भी थिंक आउटसाइड द बन, नहीं सॉरी बन बर्गर बन, हां वाला बन 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 थिंक आउटसाइड द बम बम के बाद हाँ सारे हो गए यार, बोला था कट, हम मार चुके हैं। नहीं नहीं अभी चलने दो, हमारा आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा बिंगो हार चुका है पर हम जीत गए हैं, हमें बहुत खुशी है। उधर है बास्केट। इसी सुंदर चेहरे के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, बट स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू। फुटबॉल उधर है, बास्केटबॉल और क्या है उधर, एक और फुटबॉल, क्लोज अप ये बास्केटबॉल इधर एक कंपोस्ट ग्राउंड है, पिट है जो भी तुम, ठीक है बहुत अच्छी बात है। हाँ उधर पहाड़ है, पहाड़ भी है, वाह पहाड़ देखने चलते, चलो